तो गाइज जैसे कि लास्ट दो वीडियो था, एक था मिक्सर के साथ एम्पलीफायर कनेक्शन कैसे करते हैं और एक वीडियो था स्टैंडर्ड के पीवीटी 500 को खोलकर दिखाना। दो वीडियो में ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का और आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट किया कि दो मिक्सर को कैसे कनेक्शन करते हैं ये दिखाइए। तो इस वीडियो में दो मिक्सर को कैसे कनेक्शन करते हैं वो दिखाऊँगा, कनेक्शन भी सिखाऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, पसंद आए लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दो मिक्सर लिया हूँ, चलिए दिखाए तो कौन सा मिक्सर है। ऑडियो मास्टर का SP6 6 चैनल का एक इको मिक्सर है, ठीक है, और एक है यहाँ पर स्टैंडर्ड का SM120E, ये भी एक इको मिक्सर है, ये स्टैंडर्ड की ओर से है, ठीक है, 12 चैनल का है ये 6 चैनल का है। तो इस मिक्सर को इसके साथ कनेक्शन करेंगे, ठीक है। मेरे पास यही दो मिक्सर था तो मैं इसी के साथ आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और जो कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये कनेक्शन करके आप सारे मिक्सर को, मतलब कि सारे मिक्सर आप ऐसे कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कैसे कनेक्शन करते हैं, उसके बाद आप भी ट्राई करना अपने मिक्सर के साथ, ठीक है। सब मिक्सर आप ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। अभी वीडियो शूट करते करते आ गई बारिश, देख लीजिए बारिश आ गई। तो अभी बाकी वीडियो मैं अंदर शूट कर रहा हूँ तो लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए आगे वीडियो में, आप लोगों को मैं प्रॉपर कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा छोटा मिक्सर का प्लग, मैं एक डेमो भी दे दूंगा, ठीक है, स्पीकर नहीं लगाकर, सिर्फ यहाँ पर LED ब्लिंक करेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं एक डेमो भी दे दूंगा और ये बड़ा मिक्सर का प्लग, ठीक है, मिक्सर ऑन है, ये वाला मिक्सर ऑन है, इसको भी ऑन कर देते हैं। चलिए ये ऑन हो गया। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्ड है, ये माइक्रोफोन का कॉर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ और अपना कैमरा को, फ़ोन को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी दिख रहा होगा। तो ये माइक्रोफोन का कॉर्ड, एक सेकेंड मैं इसको खोल लेता हूँ। हाँ, ये हो गया, माइक्रोफोन भी इधर है रेडी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये माइक्रोफोन का कॉर्ड है, ठीक है, और इसको इसमें लगाते हैं, ठीक है। ये एक नंबर चैनल, ये एक नंबर चैनल, आप माइक चला सकते हैं, चार तक आप माइक भी चला सकते हैं, इधर आपको ऑक्स का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं एक नंबर में माइक्रोफोन लगा रहा हूँ। तो देखिए जब मास्टर मैंने खोल दिया, खोल दिया, इधर ब्लिंक करेगा जरूर। हेलो 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 हेलो, ये ब्लिंक कर रहा है, देख लीजिए, हेलो हेलो, ठीक है। तो इधर ब्लिंक कर रहा है। इस मिक्सर को भी इसके साथ कनेक्ट करना है हमको, ठीक है। तो अभी एक और कॉर्ड लेंगे, मैंने सब कुछ यहाँ पर रेडी करके रखा है, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इधर से आउटपुट लेंगे, छोटे मिक्सर का जो आउटपुट हमको मिलता है, इधर देखिए ये आउटपुट है, इधर लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्सीलेंट, इधर आउटपुट है इस मिक्सर का। यहाँ से आउटपुट लेकर बड़े मिक्सर में लगाएंगे, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है शायद, तो लाइन में लगाएंगे, माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है उसमें नहीं लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे। तो इसमें लाइन में लगा दिया हमने और इधर मास्टर को खोल देंगे, इस चैनल का मास्टर भी हमने खोल दिया। इधर में हम लोगों ने दो नंबर चैनल पर लगाया है तो इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर हो गया कनेक्शन, तो अभी देखिए इधर भी ब्लिंक करेगा LED, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, देख सकते हैं आप लोग कैमरा, ठीक है, देख लीजिए, हेलो हेलो हेलो, चेक हेलो चेक, हेलो हेलो चेक हेलो चेक लो चेक चेक लो। तो अभी आप लोग देख रहे हैं इस मिक्सर को इसके साथ हमने कनेक्शन कर दिया है क्योंकि इसका पीक काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, गेन, जो गेन होता है, पीक होता है, इसको काफ़ी बढ़ा दिया था, इसलिए बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और इधर ये वाला मास्टर थोड़ा सा कम है तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लो 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 चेक लो चेक। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका कनेक्शन हो गया। तो अभी माइक्रोफोन हमने यहाँ लगाया है, इधर इसमें ये वाला माइक्रोफोन है, ठीक है, इधर सर्किट के साथ जॉइंट है। आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि
ये दूसरा कॉर्ड है, ठीक है। ये देखिए ग्रीन वाला इधर है और ब्लैक वाला इधर है, ये सर्किट के साथ ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए खोल दिया, अभी नहीं हो रहा है। हेलो 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 हेलो, देख सकते हैं ये कनेक्शन हो गया। तो अभी एक नंबर के चैनल पर हमने लगाया है, तो हम चाहते हैं तो दूसरे में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मास्टर वॉल्यूम इधर से देखिए हो गया कनेक्शन। तो स्पीकर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि घर के अंदर स्पीकर मैं नहीं लगा था और काफ़ी प्रॉब्लम होता है सब लोगों का, तो स्पीकर नहीं लगाया है। तो ऐसे करके कनेक्शन हो गया। हेलो 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 हेलो, ठीक है, देख सकते हैं कनेक्शन ये प्रॉपर हो गया। यहाँ से आउटपुट लिया छोटे मिक्सर, आपको भी कैसे करना है, छोटे मिक्सर का जो आउटपुट है वो आपको बड़े मिक्सर में लाइन में लगाना है, फेदर को बढ़ाना है, तो आपका कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा इस मिक्सर में 12 चैनल और इसमें और 6 चैनल, तो आपको टोटल 12 और 6 मिलाकर 18 चैनल आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप टोटल 18 चैनल यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मिक्सर कनेक्शन मैंने दिखा दिया, तो अभी आप एम्पलीफायर कहाँ से लाइन देंगे, ठीक है। तो आपको एम्पलीफायर यहाँ से लाइन देना है, आपके बड़े मिक्सर का जो आउटपुट है मेन आउट, यहाँ से आपको एम्पलीफायर में लाइन देना है। इधर से दो आउटपुट लेंगे, एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ, और मेरे पास है अभी इसको लगते हैं। तो आपको कॉर्ड ये रहा कॉर्ड, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये आउटपुट हमने ले लिया, और इधर का जो दूसरा साइड है ये XLR और एक जैक पिन है, तो ऐसे आप एम्पलीफायर में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला, ठीक है, इसको तो ये हो गया। यहाँ से जो मेन मिक्सर का आपका जो आउटपुट है, आपके जो बड़े मिक्सर होंगे, बड़े मिक्सर का जो आउटपुट होगा उसको आपको लगाना है, ठीक है। ये दो आउटपुट आपको आपके एम्पलीफायर में या फिर अपने एम्पलीफायर्स में लगाना है, ठीक है। तो ऐसा आपका प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ये हमारा एम्पलीफायर का कनेक्शन, और इधर तक एक और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक और बार। तो फर्स्ट में आपको देखना है, ये मैं एक बार फर्स्ट में बता देता हूँ, फर्स्ट से लास्ट तक मैं बता देता हूँ कनेक्शन आपको कैसे करना है। आपको फर्स्ट में देखना है दोनों मिक्सर में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जैसे मेरे पास ये वाला बड़ा मिक्सर है, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो मैं इससे आउटपुट लूंगा, इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा छोटा मिक्सर है, इसका आउटपुट ये है, ये दो आउटपुट है इधर, ठीक है, देख आप लोग देख सकते हैं, ये इसका आउटपुट है। तो इधर कॉर्ड लेंगे, इस आउटपुट से बड़े मिक्सर में इनपुट करेंगे, फेदर बढ़ाया हुआ है, फेदर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो छोटे मिक्सर का आउटपुट लेंगे, बड़े मिक्सर में लगाएंगे, और उसके बाद जो माइक्रोफोन होगा, माइक्रोफोन का कॉर्ड जो होगा वो आप बड़े मिक्सर में लगा सकते हैं। और ये हो गया आपका कनेक्शन। तो अभी गाना बजाओ, क्या गाना करो, क्या छोटा सा प्यारा सा, नहीं छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर कनेक्शन। तो आप अभी ये वाले इनपुट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको जो जो इनपुट मिलेगा, इधर आपको 5 इनपुट मिल रहा है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप ये वाला भी, यहाँ पर जो आपको बाकी इनपुट आपको मिल रहा है, ये वाला इनपुट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आप यहाँ पर अभी 18 माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, या फिर 18 आउटपुट इनपुट आप दे सकते हैं इसमें। तो ये हो गया छोटा सा कनेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आपका भाई रेडी है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कॉल भी करते हैं कि भाई आपसे सीखना है, तो मैं उनको पास जाकर तो नहीं सिखा सकता, वीडियो में ऐसे करके मैं सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम जगह है यहाँ पर, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके मोबाइल को खड़ा करके आप लोगों को सिखाया दिखाया। आप लोग अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, छोटा सा लाइक ही बस करना है, और कमेंट भी कर सकते हैं। और भी कोई वीडियो अगर मुझसे बनवाना है, हो सके तो मैं वीडियो बना दूंगा। और
ये है कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन यही है। आप लोगों को अगर दूसरा कोई कनेक्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, मुझे ये वाला कनेक्शन पता था, तो यही मैं आपको सिखा दिया। ये एक छोटा सा कनेक्शन है और ये सबसे आसान कनेक्शन है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।